Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh. In this video tutorial, I'm going to discuss about NII exam, National Institute of Immunology. Okay. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि क्या है एग्जाम, कैसे आपको टैकल करना है उस एग्जाम के बारे में। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में करते आया हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको ब्रोशर में मिल ही जाना है, क्या हो रहा है, कब डेट है, क्या नहीं डेट है, तो डेट इन सब के बारे में बात करने के बजाय मैं ये बात करूंगा कि आपको एग्जाम को कैसे टैकल करना है। ठीक है, अगेन जैसे कि मैंने बार के लिए बताया, जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ किस चीज के लिए, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपको NII के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं NII के लिए। तो NII भी PhD कर लेती है, GNU के थ्रू ये इनरोल करते हैं खुद को। ठीक है, आपको पता होगा कि GNU के थ्रू क्या करते हैं, GNU के थ्रू ये PhD देते हैं आपको। जब ये GNU के थ्रू PhD मिलता है यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, GNU के थ्रू ये PhD प्रोवाइड करते हैं। नाउ सो GNU के थ्रू जब ये PhD चल रहा होता है, आप लोग इनरोल करते हैं, बेसिकली NII जो होता है GNU के थ्रू आपको PhD प्रोवाइड करवाता है। बात होती है कि NII का जो एग्जाम होता है वो दो तरीके से, एक या तो वो टाइफर के थ्रू ले, या तो वो टाइफर के थ्रू ले, या तो अपना खुद का जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसके थ्रू ले। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, NII के बारे में, इसके एग्जाम कंडक्ट करने के बारे में बात करते हैं, सो क्या होता है कि इसका जो एग्जाम है, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि इसका एग्जाम आने वाला है NII के बारे में, जिसके लिए काफी लोग परेशान हैं। सो से ही आपको पता चल रहा होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब ये टाइफर के थ्रू ले रहा है, तो टाइफर का पेपर आप लोग को पता है, बड़ा सिंपल सा, देखो मैं बहुत सिंपल सी बात करना चाह रहा हूँ, टाइफर का पेपर मिल सकता, टाइफर का पेपर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता भाई, बिल्कुल मिल सकता है। तो बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी को कैसे टैकल करना है, जी उसी को टैकल करने के ऊपर बात करने वाला हूं। बड़ा सिंपल सा तरीका है जनाब, ठीक है, याद करने की कोशिश करिए। अगर NII का ब्रोशर आप लोगों ने पढ़ा हो, तो NII के ब्रोशर में लिखा हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII जो होता है, ये आपके दो तरीके से अपने स्टूडेंट्स को लेता है PhD के लिए। एक टाइफर, जिसको कि ठीक है टाइफर के थ्रू लेता है एग्जाम जो होता है, टाइफर के थ्रू, या लेता है NII, ठीक है, जो आप जे कहते हैं कि JG बिल्स जो होता है एग्जाम, जिसके लिए आप परेशान होते हैं, वो उसका दूसरा नाम है ये टाइफर, इसके थ्रू टाइफर का और NII का। अब बात आती है कि ये दोनों तरीका होता है जिससे कि NII अपने PhD स्टूडेंट्स को सिलेक्शन प्रोसेस में इनरोल करता है और वहां से उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि ये मेरे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। अगर आप इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, तो इस इंस्टीट्यूट का नाम में ही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, होता है जनाब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं इसमें एक छोटा सा हिंट देने वाला हूं आपको, एक छोटा सा बड़ा ही मैजिकल, जिसको बोलते हैं, अगर आपको समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो और भी अच्छी बात है, बड़ा ही मैजिकल ट्रिक आपको देने वाला हूं, ठीक है, क्यों, बहुत ही अप्लीकेबल होगा जब, क्योंकि NII के बहुत पेपर्स नहीं मिलते, मेनी पेपर्स आपको NII के नहीं मिलते कि हाँ बहुत सारा पेपर, सैंपल पेपर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप NII के वेबसाइट पे जाओगे, वहां से सैंपल पेपर कलेक्ट करोगे, 2017 का पेपर दिया हुआ है, उसको लेके पेपर देख लो। जब आप पेपर देखोगे, पहले ये जो एग्जाम होता था वो आपका एग्जाम जो है वो पेपर बेस्ड होता था, लेकिन अब जो ये एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, CBT मोड पे, ठीक है, CBT मोड में ये एग्जाम होने वाला है। जब हम बात करते हैं CBT मोड में एग्जाम होगा, तो एग्जाम जो है, एग्जाम आपको लेके जाएगा कहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड सेंटर पे, और वहां पे आपको एग्जाम देना है। वो एग्जाम फोबिया, जो लोग अपने आप को कंप्यूटर से अवेयर नहीं रखे हुए हैं, जो कंप्यूटर के बारे में ज्यादातर नहीं जानते, वो लोग थोड़ा सा यूज टू हो जाए कि हम एग्जाम को कैसे कंडक्ट करना है लैपटॉप या कंप्यूटर पे, जो नहीं है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज के लिए कि क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जिसके बारे में बात कर रहा था कि ये देखो टाइफर को भी इंक्लूड करता है, ठीक है, टाइफर को इंक्लूड करता है अपने एंट्रेंस में, अपने बच्चों को सिलेक्ट करने में। तो NII आपको पता है कि ये केमिस्ट्री भी पूछता है, ये आपका फिजिक्स भी पूछता है, और एप्टीट्यूड भी पूछता है, और सम मैथमेटिक्स भी, ज्यादा हाई लेवल का मैथमेटिक्स नहीं होता, सम मैथमेटिक्स जो कि एप्टीट्यूड वाला मैथमेटिक्स होता है, बहुत डिटेल्ड मैथमेटिक्स नहीं है, इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस यस, ही आपके तो सब्जेक्ट है जो पूछे जाते हैं। क्या टाइफर भी तो यही पूछता है? बात आता है कि हमारे पास NII के पेपर्स नहीं है सर, हम पढ़ेंगे कहां से, PYQs कहां से लेके आएंगे?
तो टाइफर का पेपर लाओ ना भाई, टाइफर का जो पेपर है ना, टाइफर का पेपर मिल जाएगा। टाइफर का पेपर जो पेपर के बारे में बात करते हैं, इसके पेपर्स ले आओ PYQs, वहां से कुछ करना नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, टाइफर के पिछले 10 साल के पेपर्स भी, ठीक है, 10 साल के पेपर कर लो, किसके लिए, क्या सबके लिए, नहीं, किसके लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। अगर इनके फिजिक्स और केमिस्ट्री टाइफर का सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूँ NII में। सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट आए हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स में टाइफर फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उन कॉन्सेप्ट को लर्न कर लो अगर कर पा रहे हो तो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स छोड़े केमिस्ट्री छोड़े आप लोगों को अरसा हो चुका होगा, पढ़ तो रहे नहीं होगे, जब पढ़ नहीं रहे होगे तो कैसे चीजों को लेके चलोगे, ठीक है। सो अगर ऐसा लग रहा है तो उनको आप स्किप कर सकते हो, उनको आप क्या करोगे, स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो चीजें करना। बात आती है यहाँ पे, कई सारी चीजें होती है कि जब हम स्किप करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बहुत कम बचेंगे। देखिए, हर किसी की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना सही और कितना निगेटिव करता है। कई लोग 80 क्वेश्चंस करके आते हैं, लेकिन 80% करके आते हैं, लेकिन इसमें 30% गलत करते हैं। और कई लोग 60% करके आते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन 10% गलत करते हैं। तो जो 10% गलत करने वाला होगा वो क्वालिफाई करेगा रेदर देन इसमें 30%, क्योंकि 80% में से 50 सही और माइनस, अगर मैं 50 को 3 नंबर देता हूं और 30 में माइनस 1 करूंगा तो ये 150 माइनस 30 करोगे तो ये 120 नंबर आएगा। और इसमें देखोगे तो इसमें भी 50 सही किया है, 50 × 3 = 150 − 10 = 140, तो ये ज्यादा आगे गया। लेस नेगेटिव करोगे जितना ही उतना बेटर होगा, ये ध्यान रखने की कोशिश करना, रेदर देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना। सो यही कहूंगा कि अपनी अपनी कैपेबिलिटी को जानो कि हम किस तरीके का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट करते हैं तो उन पे जाने की जरूरत नहीं है, जो श्योर शॉट हो उन्हीं क्वेश्चंस पे जाना है। तो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, पहली बात तो नेगेटिव पे ज्यादा फोकस नहीं करना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाननी है। दूसरी चीज, टाइफर को नहीं भूलना। अगर NII को जा रहे हो तो टाइफर के PYQs को नहीं भूलना है, यही आपका रामबाण है NII के लिए। NII का जो रामबाण है वो आपका टाइफर है। अगर टाइफर के क्वेश्चंस को सही से टैकल कर जाओगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ कुछ टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं फिजिक्स के में बता रहा हूँ, जैसे कि फ्रिक्शन का क्वेश्चन, जैसे कि दो चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का क्वेश्चन, जैसे कि आपके वेव्स का क्वेश्चन, जैसे कि स्प्रिंग का क्वेश्चन, कुछ एक एक यूनिट के एक एक स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है, उन्हीं को पढ़ लो। सिर्फ टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो भाई, उतना ही बहुत है। केमिस्ट्री में अगेन वही है, केमिस्ट्री में जाओगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन, sp2 sp1 इस तरीके से क्वेश्चन, एक दो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस। अब आता है कि सर पढ़ेंगे कहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो सिर्फ और सिर्फ आपका सबसे बढ़िया सोर्स है NCERT। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, NCERT उठा लो, पढ़ लो, बहुत हाई लेवल के बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि SC वर्मा फिजिक्स के लिए उठा रहे हो या OP टंडन उठा रहे हो, वो सारी चीजें बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है जो मेडिकल में पढ़ते थे। बेसिक NCERT, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको उठा लो और पढ़ते रहो, समझ में आ गई बात। चलो, ये क्या करना है, ये सोर्सेज के बारे में बात कर लिया कि PYQs आइडिया क्या है। अब कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करता हूं। NII का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। जब ये नाम है, आपके नाम में इसको समझ में आ रहा होगा कि इम्यूनोलॉजी, भैया इंस्टीट्यूट है इम्यूनोलॉजी का, इवोल्यूशन वाले बच्चे को लेगा, इवोल्यूशन वाले बच्चे को कहेगा आप इस इवोल्यूशन पढ़े हुए अच्छे से तो आप आ जाओ। समझो इस चीज को कि आपको इस एग्जाम को कैसे टारगेट करना है। हर एक एग्जाम की एक स्पेशलाइजेशन होती है। एम्स में ज्यादातर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पूछा जाता है, ज्यादातर बायोलॉजिकल साइंस में वो फोकस किया जाता है, बायोटेक में बायोप्रोसेस इस तरीके से चीजों को फोकस करते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये JNU से अफिलिएटेड है और इम्यूनोलॉजी को टारगेट करती है। तो इसमें आपको सीधा पता चल रहा है इम्यूनोलॉजी भर के होगा, इम्यूनोलॉजी भर के होगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी जहां जहां पे कौन से डिजीजेस क्या होता है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, कुछ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, वैक्सीन्स के बारे में, ये सारी चीजें जो मेडिकल से रिलेटेड है, जितनी चीजें हमारे डिजीज मेडिकल्स, माइक्रोबायोलॉजी, जब इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी भी जानना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि डिजीजेस वगैरह इसी से आते हैं। ये तो है जो मेजर फोकस है। क्या है जी? मेजर फोकस। इसके अलावा
इसके अलावा कौन से मेजर फोकस है, ये तो थे मेजर फोकस वाले, इसके अलावा जो मैंने आपसे डिस्कस किया था डीबीटी वाले वीडियो में, अगर याद आ रहा हो तो उन्हीं चीजों को पढ़ना है जनाब। क्या पढ़ना है याद करो, बायोकेमिस्ट्री कभी मत भूलना, बहुत क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री में आपके बहुत सारी चीजें, बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड, रिस्पिरेशंस, ये सारी चीजें आएंगी। उसके अलावा क्या आएगा, फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, नहीं छोड़ना जनाब। सेल बायोलॉजी छोड़ोगे, जब इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे बिना सेल बायोलॉजी के कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सेल बायोलॉजी भी नहीं छोड़ना है। तो समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। सो ज्यादा ये चीजें जो हैं ये आपको फोकस करनी है, ये नहीं कि हम डेवलपमेंटल पे चले गए, ये नहीं कि हम इवोल्यूशन इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, नो, गलत करोगे अगर वो चीजें पढ़ोगे तो। ये जो मेजर चीजें हैं, और एक तो भूलना ही नहीं, कौन सी टेक्निक, वो तो हर एग्जाम में आएगी, कुछ भी दे लो जिसको बोलते हैं टेक्निक्स, क्या बोलते हैं टेक्निक्स या मेथड्स, ये तो हर एग्जाम, बायोकेमिस्ट्री टेक्निक्स, ये तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होगा लाइफ साइंस में जहां ना पूछा जाए, तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी को टारगेट करना है स्पेसिफिकली, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, इसको भूलना नहीं, इम्यूनोलॉजी को टारगेट जरूर करना है, ठीक है जनाब। चलो, होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा एनआईआई को टारगेट कैसे करना है। एक बार मैं फिर से समअप कर दे रहा हूँ एनआईआई को टारगेट करने के लिए, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। हर बार मैं कहता हूँ कि अपने ऊपर बिलीव करो, आप कर लोगे, बिलीव करो, यू कैन। जो भी ये पेपर पैटर्न आपके एडमिट कार्ड पे भी आ गया होगा, ठीक है, एग्जैक्ट आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर अबाउट द पेपर पैटर्न, ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रैकल है, जो तरीका है पेपर को टैकल करने का, वो यही तरीका है आपका, कि क्या करना है, बिलीव करो अपने ऊपर, टाइफर को छोड़ना नहीं है, टाइफर को नहीं छोड़ना है, और टाइफर को जो चीजें, अभी कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास, लेकिन क्या करना है जी, आप लोगों के पास कम टाइम बचा हुआ है, जब कम टाइम बचा हुआ है तो क्या करो, टाइफर के पीवाईक्यूज को सॉल्व करो और इम्यूनोलॉजी के सॉल्व करो, बायोकेम को मत छोड़ना, ये कुछ क्वेश्चंस एंजाइम जैसे इसमें आते हैं, और सेल बायोलॉजी फंडामेंटल, इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट को लर्न करो, रिकॉल कर लो, और अपना बेस्ट दे के चले आओ एग्जाम में। होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल्स को। अगर आप लोग को कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सीएसआईआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआईआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।